अच्छी तरीके से। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अभी बना रही हूँ सब्जी। सब्जी में मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी और इसमें कुछ और भी मिक्स कर रही हूँ। जैसे कई बार बीन्स वगैरह एक्स्ट्रा हो जाता है ना, थोड़ा सा रह जाता है, एक दो दिन रख दो तो फिर वो सूख जाएगा, उससे अच्छा मैं सब्जियों में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है, थोड़ा बहुत ड्राई करना है। और पापड़ था, ये पापड़ का जो पैकेट था ये खुला हुआ था, तो हस्बैंड निकाल कर रख देती कि ये एक पैकेट नया लाया हूँ, ये कैसे खुला है, ख़राब हो जाएगा। कोई भी चीज़ में अगर ओपन हो जाए ना तो वो मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो फिर मैं जितना भी पापड़ था उसको मैं ऐसे तवे पे सेक ले रही हूँ, बिल्कुल ऑयल डीप फ्राई नहीं करूँगी, तवे पे ऐसे रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर निकालती हूँ, कभी भी पापड़ वगैरह सेकना होता है। वैसे किचन का क्लॉथ तो मैंने रखा है, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि जो टिश्यू पेपर है ये फ्रेश है और उससे वैसे उसको प्रेस करके सेकना है, इसीलिए मैं टिश्यू पेपर से ही कर लिया करती हूँ। तो एक एक करके सारे पापड़ को मैं अभी सेक ले रही हूँ और सब्जी भी बन रही है और आटा भी मैंने लगा लिया है। उसके बाद मुझे बनाना है रोटी। और आज मैं इवनिंग से, मेरा मन नहीं हुआ कि चलो आज इवनिंग से मैं ब्लॉग को शूट करूँगी, दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ही हेडेक हो रहा है, तो इसी वजह से दिल नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का। एंड अभी स्पर्श पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में ये उसको पढ़ा रहे थे, जो भी होमवर्क वगैरह है वो करवा रहे थे। और बीच में वो कई बार बोला भी मम्मा पानी दे दो, पानी दे दो, तो अब वो पानी मांगता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद से लेके पिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो खुद से सीखे, हालांकि वो सब कुछ सीख चुका है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाता है। उसमें कर तो पाता है बट मुझे मेरी हेल्प चाहिए होती है उसको, तो वो भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि वो भी खुद से करने लगे, अपना सारा काम खुद से करने लगे। बस मुझे इसी तरीके से उसको बनाना है। और समझने वाला जो भी बातें हैं वो बहुत कुछ समझता है, पहले जैसे कि मैं आप लोग को बताती थी बहुत कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, हो रहा है जिस तरीके से हम लोग उसके ऊपर मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए। एंड बस यहाँ पर फटाफट से मैं रोटी बना रही थी क्योंकि स्पर्श को लग गई थी अभी भूख, और जब भूख लगती है ना तो फिर वो पढ़ाई भी करता है तो उसमें भी रोता रहता है। और अभी आया था कि पानी पीना है, तो मैं बोली ठीक है आगे आप खुद से पानी लेके पियो, तो अभी आरओ से पानी निकाल के पी रहा है। पहले आरओ पे नहीं आ पाता था, अभी थोड़ा सा ना ऐसे पैर उठा के स्टूल पे चढ़ के आ जाता है, तो मैं बोतल में पानी रख दिया करती थी तो वो पी लेता था निकाल के, तो अभी खुद से पानी वो करके पी के ग्लास रख देगा फिर जाके पढ़ाई करेगा। मैं बोली अभी पढ़ाई करो 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद जैसे ही रोटी बन जाता है वैसे मैं आपको डिनर देती हूँ। तो फिर वो चला गया और रात के बाद उस टाइम के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। एंड ये डायरेक्ट मॉर्निंग का टाइम है, स्पर्श को मैंने स्कूल वगैरह भेज दिया था, ब्रेकफास्ट इनका लंच वो सब कुछ ये लोग भी ऑफिस चले गए हैं। और अब मैं नहा धो के पूजा तो सुबह ही कर ली, स्पर्श के स्कूल जाने से पहले मेरी पूजा हो जाती है, तो अभी मैं थोड़ा सा ना इधर सब कुछ सही करना था, जैसे सोफ़ा बेड ये सभी बुक्स वगैरह सभी इधर उधर फैले हुए थे तो ये सब ठीक करना था, तो मैं अभी कर रही हूँ ठीक। और ये जो टेबल है, टेबल को भी मुझे भी क्लीन करना है। पता नीचे इतना सारा स्पर्श ने अपना टॉयज रखता है, टॉयज में क्या उसके रहते हैं, बस रहता है, ट्रक रहता है, ट्रेन रहता है, यही सारी चीज़ें रहती है। और मैं अभी क्लीनर लेने जा रही थी तो ये इसमें का ना ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी फिर से क्लीनर बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए विनेगर जो है ना, विनेगर मैं डालूंगी आधा आधा बोतल डालूंगी, आधा बोतल से थोड़ा सा कम। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, मतलब जितना खाली है उतना मैं पानी की क्वांटिटी डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा मैं विम लिक्विड डालूंगी, विम लिक्विड बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर इसका स्प्रे करने वाला ना वो बंद हो जाता है, तो मुझे 3 से 4 बूंद बस विम लिक्विड डालना है। और ये क्लीनर इतना अच्छा है ना कि हर एक चीज़ आप साफ कर सकते हो। और बस इसको बंद करने के बाद थोड़ा शेक करूंगी और बस इसी क्लीनर से, बस कोलिन भी है मेरे पास, लेकिन कोलिन भी कितना यूज़ करूँ, ये सही रहता है, कोलिन भी मैं रखती हूँ, वो भी जब लगता है कि नहीं कोलिन की ज़रूरत है तो मैं कोलिन से क्लीन कर लिया करती हूँ। तो ऊपर का ग्लास साफ करने के बाद नीचे का जो टेबल है यहाँ पर इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था, मैं 3 से 4 दिन से ना इसको साफ़ नहीं की थी, तो इसके सारे टॉयज निकाल के आप देख ही सकते हैं कितने सारे टॉयज, अभी 2-3 अंदर है और 3 उसका कार, एक ट्रक, एक पता नहीं क्या है, सब ये सब बाहर निकाली हूँ, तो इस जितने भी इसके हैं ना ये सब यहीं पे रहते हैं। देन मैं कॉर्नर टेबल जो है इसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद ये टीवी के पास जो टेबल है ये हमारा बहुत ज़्यादा मैशी रहता है, मैं हमेशा बताती हूँ, इतनी सारी चीज़ें। और ये टेबल हटाने के लिए मैं इतनी बार इनको बोली हूँ कि इस टेबल को हम हटा देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये हटाने नहीं देते हैं मुझे ये वाला टेबल, पता नहीं इनका फेवरेट टेबल है ये, जब यहाँ शिफ्ट हुए थे ना तभी ये खरीदे थे, तो ये टेबल हटाने नहीं देते हैं। और मुझे ये टेबल बिल्कुल पसंद नहीं है, कई बार मैंने बोला है कि डिफरेंट कुछ यहाँ पे हम लगाते हैं,
जैसे टीवी के नीचे कुछ बनवा लेते हैं उड़न वाला, वो लगाते हैं, बट नहीं, इनको यहीं रख रहे हैं। और ठीक है, मैं फिर क्यों हटाऊं, जब चीज़ें इतनी पसंद है तो क्यों हटाना है ना। उसके बाद ये साइड वाला जो बॉक्स है इसको मैं साफ कर ले रही हूँ। इस पे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा बैठता है। मेन चीज़ है ना यहाँ पे ज़्यादा डस्ट का, कि जैसे हमारा डोर है और डोर से थोड़ी भी हवा चलती है तो डस्ट वगैरह आ जाता है, तो जिससे ना ये पूरा भर जाता है, तो हमेशा ये सब क्लीन करना पड़ता है। देन ये सब करने के बाद, ये रात में सब्जी लेके आए थे तो इसका सारा पॉलिथीन जो है मैं एक एक करके खोल के रख रही हूँ। और जैसा कि बताती हूँ मैं हमेशा आप लोगों को, हफ्ते की सब्जियाँ हमारे घर में आती है, बट आज जो सब्जियाँ हैं ये थोड़ी कम आई है, बिकॉज बारिश हो रही थी और जो मंडी लगती है वहाँ पे इतने कीचड़ हो जाते हैं ना, तो मैंने पहले भी बोल दिया था इनको कि आप अंदर एंट्री मत करना ज़्यादा, रोड साइड जो भी सब्जियाँ मिलेगी वो लेके आना, क्योंकि लास्ट टाइम स्पर्श को लेके गए थे ना, इतना कीचड़, वो भी बेचारा पूरा पैर उसका डूब गया था, इनका भी डूब गया था। और वो उसके बाद आने के बाद साफ़ सफाई घर में आएंगे तो फिर थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है गंदगी, फिर स्लीपर साफ़ करना ये वो, तो मैंने इसलिए बोला था कि आप बाहर से ही जो भी सब्जियाँ मिलेगी वो खरीदना, तो इसलिए सब्जियाँ ज़्यादा नहीं लेके आए, फ्रूट्स भी नहीं लेके आए हैं। फ्रूट्स में बस ये ग्वावा जो मिला था वो लेके आए हैं, और पहले से एप्पल था तो लेना ही नहीं था कुछ भी, और बनाना वगैरह तो हम लोग इधर उधर से ही ले लेते हैं, क्योंकि कितना भी मंडी से लेके आओ बनाना तो 2 दिन में ख़त्म कर देना होता है, नहीं तो फिर वो पक जाता है, फिर कोई खाने का मतलब नहीं। ये थैला खाली हो गया ना, थैले को मैं बाहर डाल दूँ। अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद। ऑनियन है, पोटैटो पहले से था, और ये तोरी, बीन्स में चींटी, पता नहीं क्यों चींटी, बीन्स नहीं है सॉरी बोरो है, इसमें चींटी पता नहीं क्यों, करेला है, मिर्च है, खीरा है, केला है, टिंडे है, मतलब बहुत ही कम सब्जी भरा है, क्योंकि बारिश था ना तो अंदर ये गए नहीं, जितनी सब्जियां बाहर मिली है उतना लेके आए हैं। और गाइस ये सुबह का मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग रूटीन नहीं है ये, सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन ये जो है ना ये 9 बजे के आसपास का जो भी मेरा काम होता है वो है, और उसके बाद ये सब निपटाने के बाद मैं अभी बेडरूम में आ चुकी हूँ, और बेडरूम में बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि बेडशीट मैं एक दिन पहले चेंज करी थी, बस इसको बेडशीट को ठीक ठाक कर दे रही हूँ, और वैसे भी क्या वॉश करना, 2 दिन बाद 3 दिन में मैं चेंज कर ही देती हूँ, तो इसको बस ठीक ठाक कर ले रही हूँ। और यहाँ कर्टन मैं ना साइड में उठा देती हूँ, क्योंकि उधर बाहर से थोड़ा सा हवा आता है। एंड देन किचन में आ चुकी हूँ, मुझे करना है अभी ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए मुझे बनाना है रोटी। रोटी तो मैं 2 बार बना चुकी हूँ, जब ये जाते हैं तब मैं इनके रोटी बनाती हूँ, लंच और ब्रेकफास्ट इनका। एंड उसके बाद फिर जब स्पर्श स्कूल जाता है उस टाइम स्पर्श के लिए ब्रेकफास्ट और उसका लंच का रोटी जो होता है वो बनाती हूँ। पराठे मैं नहीं बनाती हूँ, पराठे बहुत कम बनाती हूँ, दिखाती भी होंगी बहुत कम, मैं 1-2 महीने पे एक बार पराठे बनाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ पराठे। और फिर तीसरी बार रोटी बनाती हूँ जब मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है। कई बार मैं रोटी खा लेती हूँ, कई बार रोटी स्किप भी कर देती हूँ, कुछ इधर उधर फ्रूट्स वगैरह कुछ खा के रह जाती हूँ, या फिर जैसे मखाना भून लिया, फ्रूट्स खा लिया, इस तरीके की चीज़ें मैं कई बार ब्रेकफास्ट में कर लेती हूँ। तो बस लेकिन आज मैं रोटी बना रही हूँ, और यहाँ पे ना एप्पल था एक, तो रोटी मुझे एक ही बनाना था, क्योंकि एक आटे की ही रोटी थी, और साथ में मैं एप्पल कट कर लूँगी और थोड़ा सा फ्रूट्स भी खाऊंगी। तो यहाँ पे ये रोटी सेंकने के बाद मैं निकाल ले रही हूँ, सब्जी ले लूँगी, एप्पल ले लूँगी, और जब ये खा लूँगी ना, और ये दोपहर का टाइम हो चुका है गाइस। नहीं है, चने की दाल भिगोई थी, 2 घंटे में भीग गया था अच्छे से, और फिर इसको जैसा कि मैं बहुत बार ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको तो अभी मुझे तवे पे इसको अभी मतलब सेंकना है, मतलब ये जो जैसे सिक रहा है ना इसी तरीके से ये हो गया है, अब डायरेक्ट मैं इसको ग्रेवी में डाल दूंगी, क्योंकि ग्रेवी मेरा तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी मैं ये सब्जी बनाई हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया है, और राइस भी बन चुका है। तो आज मैं इसमें सरसों मसाला नहीं डाली हूँ, बस प्याज मसाले वाली सब्जी बना रही हूँ। तो ये हो गया, अब इसको ना निकाल के बस मैं इसको डाल दे रही हूँ अब ग्रेवी में, और दूसरा वाला जो है ना उसको मैं सेक दूंगी। बहुत टेस्टी ये सब्जी बनती है, और हम लोग मतलब पहले मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी, ये इधर गिर गया, अब ज़्यादा मैं बना रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था मेरा, तो इससे बेस्ट कुछ होता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि सब्जियों में इससे ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे लगता है, छोले वगैरह भी नहीं अच्छे लगते हैं इसके सामने ना मुझे, तो इसलिए डायरेक्ट इसमें डाल दूँ। फिर इस पर ऑयल थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल, और बाकी का जो ये पीसेस मैंने इसको, पता है स्पर्श ना स्वीट्स बोल रहा था, अभी इनका कॉल आया था, तो ये बोले कि बेटा क्या बन रहा है, मम्मा क्या बना रही है सब्जी में, तो बोल रहा है कि स्वीट्स बन रहा है, बताओ स्वीट्स है ये, मैं बोली स्वीट्स नहीं है, वो बेसन की सब्जी बना रही हूँ, और ये सब्जी ना इनको भी बहुत पसंद है, तो ये भी खुश हो गया। वैसे मैं एक टाइम के लिए तो ये बना नहीं रही हूँ, देखती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये नाइट टाइम के लिए, ओ माई गॉड, ये पूरा ऑयल नहीं चला गया मेरा फिंगर, नाइट टाइम के लिए ही बना रही हूँ ये।